गुड इवनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राजकुमार बड़ोले साहब, द स्टार एवरग्रीन जितेंद्र जी, हमारे मित्र सुपर सिंगर शान साहब, सुखदेवराज जी, श्री राजदत्त जी, उषा जाधव जी, जी म्यूजिक के सारे मैनेजमेंट के लोग, डॉक्टर भावना ढाबरे जिनके कंपनी के द्वारा ये एल्बम प्रोड्यूस हुआ है। आई एम वेरी डिलाइटेड हियर टू बी से समथिंग, से फ्यू वर्ड्स अबाउट द एल्बम। ये एक ऐसा एल्बम है जो बाबा साहब की विद्वत्ता को, बाबा साहब के ग्रेटनेस को, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक अनमोल हीरा जो इस देश में उभरा, ऐसे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है बाबा साहब के जीवन की, उनके संघर्ष की और उनके प्रगति की। मतलब चाइल्ड फ्रॉम द अनटचेबल फैमिली राइजिंग अप टू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वहाँ तक के ये जो उनका जर्नी है, ये इतना इंस्पिरेशनल है कि इसमें बहुत म्यूजिक है। और इस स्टोरी को अगर हम म्यूजिक में कन्वर्ट करके एक प्रेरणादायी संगीत के रूप में अगर भारत के कोने तक पहुंचाते हैं, तो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कैसी की जाती है बाबा साहब ने बताया, रिसर्च स्कॉलर हो, शोध रिसर्च कैसा की जाता है बाबा साहब ने बताया, देशभक्त कैसा होना चाहिए बाबा साहब ने बताया, सोशल रिवॉल्यूशनरी कैसा होना चाहिए बाबा साहब ने बताया, देश के लिए मर मिट जाए अपनी जान की बाजी लगाकर, पर्सनल सैक्रिफाइसेस करके, ये किस तरह से कोई आदमी जी सकता है एक लाइफ में, इसका बहुत ही आइकॉनिक एग्जांपल बाबा साहब है। बाबा साहब ने जो शोषित समाज के लिए काम किया उस पर बहुत सारे एल्बम है निकलते हैं, लेकिन बाबा साहब की ये साइड जो म्यूजिक में शायद कवर नहीं की गई, बाबा साहब एज अ मिनिस्टर व्हाट ही हैज थॉट, हाउ ही हैज मेड अरेंजमेंट फॉर 200-300, हाउ विजनरी ही वाज। बाबा साहब ने भारतीय महिलाओं के लिए, उनके सही मुक्ति के लिए जो हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में, हाउ वन शुड बी इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, योर सब नेशनैलिटीज कैन डैमेज इंडियन इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, ये बाबा साहब ने अपने एग्जाम्पल से बताया। ये सारी बातें कि भारत को अगर फक्र है बाबा साहब जैसे ट्रू सन ऑफ इंडिया इस देश में पैदा हुए, तो ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी के तौर पे एक काम मैंने किया है कि ये स्टोरी म्यूजिक के जरिए जनमानस तक जाए, और जितना हम इन आइकॉन्स को सुनेंगे पढ़ेंगे उतना ही देश में खुशहाली होगी, बंधुता होगी, शांति होगी, अच्छा माहौल बनेगा। ये जो विषमता का माहौल कभी कभी बनता है, इन स्टोरीज से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जी म्यूजिक, ऑल टीम, पर्टिकुलरली गौरव सर एंड ऑल द लेजेंडरी सिंगर्स, शान जी हैं, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, हरिहरन जी, इन सब ने, मैं समझता हूँ, पहली बार ही इतिहास में अपनी आवाज़ें बाबा साहब के गानों के लिए दी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा, आई वुड रिक्वेस्ट जितेंद्र जी and our honorable minister Rajkumar Badole ji to please launch the album Sarnam. मुझे जब मैं बैठा था तो प्रोमो चल रहा था, एक गाना इन्होंने गाया, एक गाना इन्होंने गाया रिगार्डिंग डॉक्टर अंबेडकर जी,
पहले ये बता दूं कि देखिए मैं ये मुझे कह रहे थे कुछ शब्द बोलने के लिए, मैंने कहा ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, अभी कुछ याद नहीं रहता, अभी जो दिल में आएगा बोलूंगा, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिख डाला। देखिए आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल बिग ऑल द जेंडर्स। अभी इनके बारे में यही कहूंगा कि राजेश ढाबरे जी और उनकी वाइफ भावना जी, ये जो प्रयास है द थॉट जो दिल से निकलता है वो मालूम पड़ता है उनके ये गायकी में, इतना अच्छा लगता है देखने को कि दिस पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। रट तो सब लगाते हैं वो, तो दिल से करने वाले बहुत कम होते हैं, ये बहुत दिल से कर रहे हैं। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, वो हमेशा होता है, जब भी मैं कोई अच्छा गाने वाला सुनता हूँ मुझे रोना आता है, मुझे गाने का इतना शौक है। और मैं जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर वाले को पूछूंगा कि इतना शौक कूट कूट के भरा और इतना बेसुरा क्यों भरा है मेरे को, मैं अपनी आवाज सुन के डर जाता हूँ। बट दिस पीपल हैव सम सो ब्यूटीफुली सो वेल, और मेरे को तो सपना आता है, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ और किसी रेस्टोरेंट में ऐसे ही दिल आया मैं गाना शुरू कर दिया, लड़कियां पागल हो रही हैं, बाल खींच रही हैं, इतने में जाग जाता हूँ और बीबी को अपने बताता हूँ कि ऐसा सपना आया, वो कहती है सो जाओ डरावने सपने नहीं देखते। तो कहने की बात यह है कि दे आर गिफ्टेड एंड दे आर यूजिंग their talent, their gift, their power in very right direction for the welfare by the guidance of the man who guided us so many years ago and we are following that path and we should be all grateful to them. Thank you.